अच्छा ये देख लें, ये मार्किंग इस पे हो गई है, सितारा बिल्कुल स्टार जो है कम्प्लीटली बन गया है भाई। माशाल्लाह जो है झंडे की मैकिंग हो रही है, माशाल्लाह मैसेज हमारी लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को मेरा प्यार भरा सलाम, और जो इस चैनल पर नए आ रहे हैं उन सबको भी प्यार भरा सलाम। आज जो है पाकिस्तान का बड़ा हैपनिंग दिन है, जश्न आज़ादी का दिन है, तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो, 14 अगस्त मुबारक हो। और आज जो है पाकिस्तान की 75th एनिवर्सरी है, तो मेरी दुआ अल्लाह पाक पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। पाकिस्तान के पड़ोस में भी जश्न आज़ादी है, तो मैं खैर सगाली के तौर पर और मोहब्बत का एक अमन का जो है प्रचार लेके उनको भी जश्न आज़ादी उनकी भी और उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उनको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। उनके पास भी 75वां उनका जन्मदिन है, तो मेरी तरफ से उनको भी और जितने भी मेरे यूट्यूब पे पड़ोसी मुल्क से देखने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ से लोग देखने वाले हैं, उन सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। और अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह पाक सबको खुश और खुर्रम रखे और सबको अमन का गहवारा बनाए और सबको आपस में मोहब्बत के साथ जो है वो रखे। पाकिस्तान के हवाले से, झंडे के हवाले से हमने कल से इसकी प्रिपरेशन चल रही थी, तो क्योंकि झंडा हम लोग जो है ना वो हर साल एक ही झंडा में इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी बड़ा झंडा है हमारा, तो इसलिए हमने कोशिश की कि यार उसी झंडे को इस दफ़ा कंटिन्यू करते हैं। तो कल से उसको थोड़ा सा घर वालों ने सबने मिलकर उसको प्रिपेयर किया है, कुछ उसकी चीज़ें मेकिंग की रही है, तो इंशाल्लाह वो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पूरी मेकिंग दिखाएंगे और किस तरह उस पर लगाया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मशीन आ गई है, तार कनेक्ट कर दिया गया है, झंडे को निकाल के प्रिपरेशन की जा रही है झंडे की, और हम झंडे को माशाल्लाह से दोबारा रिन्यू करेंगे क्योंकि हर साल इसको सेट करना पड़ता है। तो अभी ये कलर फेड हो गया, इस साल इसको यूज़ करेंगे, नेक्स्ट ईयर जो है वो नया लेंगे। फिलहाल ये कि हमारे पास कुछ कपड़े पड़े हुए थे वाइट, तो इसका सितारा हम नया लगा रहे हैं, इंशाल्लाह फट गया था ये, और इसको चांद को भी नया बनेंगे। तो मशीन वगैरह बिल्कुल रेडी है, और उसके बाद फिर झंडे को धोया जाएगा, फिर उसको डंडे पे लगा के फिर घुमाया जाएगा छत के ऊपर। अच्छा ये देख लें, ये मार्किंग इस पे हो गई है, सितारा बिल्कुल स्टार जो है कम्प्लीटली बन गया है, इसको बाकायदा तौर पर पिन से पिनअप कर दिया गया है ताकि जो है ना ये इसकी साइडें ख़राब ना हो। इसको हमने थोड़ा साइज़ जो है इसका जो पीछे बेसिकली डायमेंशन बनी हुई है, इसका साइज़ आप देख रहे हो नज़र आ रहा है कि अंदर ये बना हुआ है, ये देखें। तो इसको हम कट करेंगे, बाकायदा पहले तो सिलाई करेंगे इसकी, यहाँ से हम बिल्कुल किनारों से सिलाई करने के बाद, इसकी जब स्टिचिंग स्टिच करने के बाद इसको हम फिर इसको क्रॉप करेंगे, काटेंगे, काटने के बाद फिर इसकी असल रियल शक्ल नजर आएगी। जो और पुराना झंडा उसको हम निकाल के बाहर कर देंगे। इसी तरह ये जो है इसका जो मून है चांद, वो भी थोड़ा सा फटा हुआ है साइडों से, किनारों से फटा हुआ है, तो इसको भी हम जो है ना फ्रेश इस पर कपड़ा लगा के इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। बाकायदा तो थोड़ा सा कलर फेड हो गया, लेकिन ये फिर भी इंशाल्लाह गुजारा है, चल जाएगा क्योंकि ग्रीन है भाई। माशाल्लाह जो है झंडे की मैकिंग हो रही है, माशाल्लाह मैसेज हमारी लगी हुई है, और ये भी एक हमारा एक फरीज़ा है जश्न आज़ादी का, जिसको हर साल हम मनाते हैं 14 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे और इसकी खुशियों में हमें बराबर की शराकत दारी करने का मौका दे। ये पाकिस्तानी झंडा हमने धोने के लिए रख दिया है, बाहर हो रही है बारिश और इसको हम धोएंगे। दो काफ़ी हीट लगा दी यहाँ पे, हवा आएगी ना तो ये यहाँ से भी बैलेंस कर जाएगा और यहाँ से भी इसको बैलेंस कर जाएगा, इंशाल्लाह गिरेगा नहीं। और हीट यहाँ इसलिए लगाइए ताकि इसकी जो हवा जो है ये काफ़ी तेज की ब्लॉक है, काफ़ी मजबूत है, तो ये हिले रहने का कम्प्लीट। और उंगली भी हमारी लगी थी, मेरा फोन देखो यहाँ भी गिर गया मेरा।